नमस्कार, अतुल गोपाल प्लग इन इंडिया में आपका स्वागत करता है। यह है प्योर ईवी का ई-ट्रांस न्यू और यह है एक आम पेट्रोल स्कूटर। तो आज जानते हैं कि दोनों के कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में क्या फ़र्क रहता है। कोई भी गाड़ी खरीदते वक्त आपको दो तरह के खर्चे आते हैं, एक गाड़ी खरीदने का खर्च और दूसरा गाड़ी चलाने का खर्च, उसको मेंटेन करने का खर्च। और ये सारे खर्च मिला करके हम उसको एक टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कह सकते हैं। शुरुआत हम इधर से करते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का खरीदने का खर्च कितना पड़ता है। इस गाड़ी का खर्च ऑन रोड 75,999 रुपए है। इसका बड़ा भाई ई प्लूटो 7G जिसका खर्च रफली 80,000 रुपए का है। इसके अलावा जो अदर पॉपुलर मॉडल है, और मैं सिर्फ उन मॉडलों की बात कर रहा हूँ जिनकी रफ्तार स्पीड 55 के आसपास है, यानी कि आप दोनों को फिर कंपेयर कर सकते हैं। जो लो स्पीड वाले मॉडल है वो तो इससे सस्ते ही होते हैं, और बाकी जो पॉपुलर स्कूटर हैं हाई स्पीड में उनके भी एक बार दाम देख लेते हैं। एम्पियर मैग्नस प्रो जिसका 74,000 रुपये दाम पड़ता है, बजाज चेतक 1,22,000, और एथर 450 प्लस जो कि 1,43,000 रुपये का पड़ता है। अब बढ़ते हैं पेट्रोल गाड़ियों की तरफ। तो जो पॉपुलर मॉडल आज के दिन में मिल रहे हैं उनके क्या दाम चल रहे हैं। ये जो मेरे बगल में गाड़ी खड़ी है ये है सुजुकी एक्सेस, और सुजुकी एक्सेस का जो लेटेस्ट मॉडल है BS6 में डिस्क ब्रेक वाला मॉडल, वो करीब 76,000 रुपये का पड़ता है। बाकी आज के दिन जो पॉपुलर मॉडल हैं, TVS का जुपिटर है डिस्क ब्रेक वाला जो कि 72,706 रुपये का है। एक्टिवा 125 DC मॉडल 77,875 रुपये, और वेस्पा VXL जो कि 1,11,071 रुपये का है। आप जरा ध्यान देंगे कि जो हमने पेट्रोल गाड़ियों की बात की है वो टॉप एंड वाली गाड़ियां नहीं हैं, दे मिडिल रेंज वाली गाड़ी हैं। इसके ज़्यादा महंगे मॉडल भी आपको अवेलेबल हैं। तो ज़्यादा करके आज की जो मीडिया है वो आपको ये बताना की कोशिश कर रही है कि बैटरी की गाड़ियाँ बहुत महंगी है, लेकिन अभी हम लोग ने देखा कि कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा है दोनों के बीच में। इसके दो कारण हैं। एक तो BS6 आने के बाद में पोल्यूशन नॉर्म्स टाइट हो गए हैं, जिसके वजह से कार्बोरेटर को बदल करके पेट्रोल की गाड़ियों में अभी आपको फ्यूल इंजेक्शन डालना शुरू करना पड़ रहा है, जिसके वजह से खर्चे बढ़े हैं। इसके अलावा कैटलिटिक कन्वर्टर जिसमें प्लैटिनम जैसा बहुत महंगा मटेरियल, जो आप लोग नॉर्मली ज्वेलरी जिससे पहनते हैं, वो आपकी गाड़ी में सजाया जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी दाम बढ़ रहा है। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में फ़ायदा ये रहा है कि बैटरी के दाम नीचे गिर रहे हैं। जहाँ यहाँ लोग प्लैटिनम के साथ सजावट कर रहे हैं, वैसे ही लिथियम जैसे सस्ती चीज़ें जैसे और सस्ती होती जा रही हैं। और एक बार जो बैटरी के सेल्स हैं वो इंडिया में बनना शुरू हो गए तो दाम और भी कम होंगे। तो अब दूसरे खर्चे की तरफ आते हैं जो कि आपका चलाने का खर्च है। अब सुजुकी एक्सेस की फ्यूल टैंक पेट्रोल से भरी हुई है। आप लोग लकी हो श्रोताओं कि आपको उसकी स्मेल आ नहीं रही है। पेट्रोल की स्मेल इलेक्ट्रिक वालों से अभी सही नहीं जाती है, ठीक है। तो ये रफली आज के दिन में आपको 100 रुपये लीटर का पड़ रहा है। तो एक्टिवा या एक्सेस यानी कि दो जो पॉपुलर मॉडल हैं पेट्रोल स्कूटर के, वो आपको अंदाजन 40 का एवरेज देते हैं, यानी कि आपको 1 किलोमीटर के लिए 2.5 रुपये आपके पॉकेट से सिर्फ चलाने के लिए खर्च करना पड़ता है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ, प्योर ईवी ई-ट्रांस नियो। ये है इसका फ्यूल टैंक, ठीक है, जहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं। हम लोग ने इसका एनर्जी स्टोर करके रखा हुआ है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 2.5 यूनिट, यानी कि आप 2.5 यूनिट बिजली इसके बैटरी में आप स्टोर करके रख सकते हो। और जैसे कि पेट्रोल का रेट अलग अलग शहरों में अलग अलग होता है, बिजली का रेट भी वेरी करता है। आप कहीं कहीं जाए तो आपको एग्रीकल्चरल जहाँ पे रूरल इंडिया है वहाँ आपके ऑलमोस्ट मुफ्त की भी मिल जाती है, 2 रुपये यूनिट मिल जाती है, 3 रुपये यूनिट मिल जाती है। और अगर आप कोई बहुत ही महंगे जगह में चले जाए तो 12-13 रुपये यूनिट की आपको मिलेगी। तो समझो अगर आप 12-13 यूनिट भी पकड़ते हैं तो 2.5 यूनिट चार्ज करने के लिए आपको समझ लो अंदाजन 30 रुपये लग गए। 30 रुपये में आप
120 किलोमीटर जा सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 पैसे किलोमीटर आपका रनिंग कॉस्ट है, ठीक है, इसका 2.5 रुपये, इसका 25 पैसे, 10 गुना का फर्क है आपके चलाने के खर्च में। और अगर आप वो आम स्कूटर चलाने वाले हैं जो कि दिन में रफली 30 किलोमीटर चला लेते हैं स्कूटर, तो यानी कि 1000 किलोमीटर महीना, 12000 किलोमीटर साल का, 3 साल में अगर समझो 40000 किलोमीटर आपने अगर चला लिए, तो ये गाड़ी आपको रुपए आपके पॉकेट में वापस दे देगी। पेट्रोल का आज के दिन बॉम्बे का रेट, आज का मैं अप्रैल की तरफ आ गए हम लोग, तो अंदाजन 96-97 रुपीज़ लीटर चल रहा है। काफ़ी ऊपर उतार चढ़ाव होते रहे पेट्रोल के दाम में, क्योंकि हमारा देश का आधे से ज़्यादा पेट्रोल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। बिजली मेक इन इंडिया ही होती है, बिजली तक आज तक इंडिया ने शायद कभी इंपोर्ट नहीं किया। हाँ, हम लोग शायद नेपाल और भूटान में बिजली एक्सपोर्ट ज़रूर कर लेते हैं, ठीक है, तो उसका जो रेट है उसमें उतार चढ़ाव पेट्रोल जितना नहीं होता है। तो एक बार आपने पेट्रोल की गाड़ी खरीद ली तो आपको पेट्रोल पंप पे जाके ये समझना नहीं पड़ेगा कि आज का रेट क्या है, इलेक्शन आ गए तो रेट कम हो गए, इलेक्शन चले गए तो रेट बढ़ गए, ईरान और इराक के बीच में झगड़े हो गए, झगड़ा का पैसा आपसे लेना पड़ रहा है उन लोगों को, तो ये सब आपको खिलवाड़ बिजली की गाड़ी के साथ नहीं करना पड़ता है। तो पेट्रोल गाड़ी में आपका मेंटेनेंस का खर्चा क्या आता है? बहुत सारे लोगों के पास पेट्रोल की गाड़ी होगी, तो जब भी आप उसी गाड़ी को सर्विसिंग के लिए लेके जाते हो तो आपको फिल्टर बदलना होता है, आपको इंजन का ऑयल बदलना होता है, तो एवरेज एक विजिट का आपका 1000 रुपये तो आना ही आना है। और आप लोग अगर अच्छे से गाड़ी मेंटेन करना चाहते हो तो साल में 2 बार तो मैकेनिक के यहाँ पूरा फुल सर्विसिंग गाड़ी कराने की तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो आपका 2000 रुपये महीना, 2000 रुपये साल का तो कहीं गया नहीं, ठीक है। और जैसे जैसे गाड़ी पुराने होते जाती है तो आपको कुछ ना कुछ पार्ट्स बदलने ही पड़ते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं क्लच का। क्लच जो रहता है टिपिकली कोई मोस्टली गाड़ियों में वो एक वेयर आइटम होता है। तो खैर ऑटोमेटिक स्कूटर्स में क्लच का इतना ज़्यादा इशू नहीं रहता है, लेकिन मोटरसाइकिल वगैरह में ज़्यादा आता है। तो वो जो एक वेयर पार्ट है वो ज़्यादा आपको बदलना पड़ता है। तो ऐसा करते करते जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है आपके ज़्यादा खर्चे करते, तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि 500 रुपये महीना आप साइड में रख लीजिए अगर आपकी पेट्रोल गाड़ी है, यानी कि 5 साल में आप समझ लीजिए कि 30000 रुपये आपका खर्चा कम से कम मेंटेनेंस पे होना ही होना है। साथ में अगर आप जोड़ लीजिए कि करीब 10000 के आसपास आपको पार्ट लग जाएंगे, कभी कोई इंजन का पार्ट गया, या कभी कोई ब्रेक का पार्ट गया, या कभी लाइट गई, या कभी क्लच का पार्ट गया, तो 10000 रुपये तो आप पकड़ के चल सकते हो। तो यानी कि टोटल जो है 30000 प्लस 10000 पार्ट्स का पकड़ करके आपका 40000 के आसपास खर्चा आना ही आना है। अब आते हैं मेंटेनेंस के, मरम्मत के खर्चे की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी में या कोई भी गाड़ी में जितने आपके मूविंग पार्ट्स होंगे उतना आपका ज़्यादा मेंटेनेंस होगा। अब ये गाड़ी का इंजन आपके पहिए के अंदर समाया हुआ है, यानी कि सिर्फ एक मोटर, ठीक है, तो वो एकमात्र मूविंग पार्ट है इस गाड़ी में, ठीक है। और जो कि मोटर में बैरिंग और वाइंडिंग के अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, तो बैरिंग फेल होने के चांसेस हैं जो कि आपके स्कूटर में भी हो सकते हैं, और वाइंडिंग ज़्यादा करके हम लोग का जो अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 10-15 सालों का, हमने वाइंडिंग का ज़्यादा फेलियर मोटर्स में देखा नहीं है। तो मोटर में ज़्यादा करके आपको मरम्मत की ज़रूरत अगले 15-20 साल में नहीं लगती है। अब दूसरा जो पार्ट आता है आपका वो होता है बैटरी का। प्योर ईवी जैसी कंपनी खुद अपने आप बैटरी पैक असेंबल कर रही है, तो उसकी जो वारंटी है 3 साल या 40000 किलोमीटर की दी जा रही है आपको। बाकी जो कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाले, वो लोग वेंडर आइटम है बैटरी उन लोग के लिए, तो वेंडर खुद अपने हिसाब से वारंटी देता है। तो आप जब गाड़ी खरीदते हैं तो जरूर आप पूछे कि बैटरी की वारंटी क्या है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर आपको 3 साल की गारंटी वारंटी दे ही रहे हैं, ठीक है, तो आपको 3 साल तक तो बैटरी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
तीन साल के बाद बैटरी का क्या होगा ये भी जानना ज़रूरी है। अब कोई भी बैटरी जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ते जाती है, जैसे जैसे उसको चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं आपके, तो उसका परफॉर्मेंस कम होता ही है। हमारा जो अंदाज है कि अगर आपकी बैटरी आपको नई कंडीशन में 100 किलोमीटर रेंज दे रही है तो तीन साल बाद आपको रेंज 80-90 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बैटरी ख़राब नहीं हुई है, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस बैटरी का थोड़ा सा कम हो गया है। क्या इश्यूज़ हो सकते हैं इसके अलावा, परफॉर्मेंस के अलावा या रेंज कम होने के अलावा और क्या इश्यूज़ हो सकते हैं? आपके बैटरी के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सेल डिस्चार्ज होने के बाद में सारे के सारे सेम वोल्टेज के नहीं रहते हैं, तो जो सेल वीक हो गए हैं उनको आपको एक बूस्टर चार्ज लगाना पड़ता है। तो ये सब करने के लिए एक खर्चा रहता है जिसको हम लोग टेक्नोलॉजी के लैंग्वेज में सेल बैलेंसिंग कहते हैं। तो कई सारे मैन्युफैक्चरर्स ने अपने खुद के इक्विपमेंट बनाए हैं सेल बैलेंसिंग के लिए। तो शायद आप अगर सेल बैलेंसिंग के लिए जाएंगे तो एक 500-1000 रुपये का आपका खर्च आएगा। ऐसे आपके बाकी के दो साल में समझ लो 2-3 बार अगर आपको जाना पड़े तो 2-3 हज़ार का मैक्सिमम आपको बैटरी का खर्चा बाद में आ सकता है। बैटरी के अंदर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स भी रहता है जिसको हम लोग बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम या कि BMS कहते हैं। अगर उसके अंदर में कोई कंपोनेंट फेल हो गया तो आपको पूरा बोर्ड जनरली बदलना पड़ता है, तो उसका जो खर्चा है वो भी कुछ हज़ारों में जा सकता है अगर फेल हुआ तो। लेकिन नोट कीजिए कि ज़्यादा करके केसेस में ये कंपोनेंट फेल नहीं होते हैं। तो ये महीने प्योर प्लग इन इंडिया की टीम प्योर ईवी के हैदराबाद की फैक्ट्री में 2-3 दिन बिता करके आई, और निशांत जी जो वहाँ के CEO हैं उनने हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग उन लोग ने सिस्टम जो डेवलप किया है जिनको वो लोग बैट्रिक्स फेरेडे नाम देते हैं। तो वो एक स्पेशल हार्डवेयर है जो कि आपके बैटरी के साथ डीलर पॉइंट पे आप लगाते हैं और जो सारा सेल बैलेंसिंग का काम ऑटोमेटिकली अपने AI बेस्ड इंटेलिजेंस सिस्टम्स के ऊपर में काम करता है। तो प्योर का रिकमेंडेशन ये है कि हर 3 महीने में आप जाकर के एक बार अपने सेल बैलेंसिंग करा लीजिए करें, जिसकी वजह से आपकी बैटरी की उम्र लंबी हो जाएगी। इसी प्रकार से बाकी मैन्युफैक्चरर्स के पास भी कुछ सेल बैलेंसिंग के इक्विपमेंट होंगे जो कि आप उनके आपके जिस लोग से जिससे आप ईवी खरीद रहे हैं उनके डीलर से आप जाकर के पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मात्रा है वो काफ़ी रहती है, तो बैटरी में आपने देख लिया BMS होता है। इसके अलावा एक और हार्डवेयर होता है जिसको कहते हैं मोटर कंट्रोलर। तो यहाँ पे जब आप एक्सेलेटर घुमाते हैं या लेवल स्विच चूज करते हैं तो इसका जो इनपुट है आपके मोटर कंट्रोलर के पास जाता है और मोटर कंट्रोलर आपका करंट जो जा रहा है मोटर में उसको वेरी करता है। जितना आप ज़्यादा करंट दोगे उतना टॉर्क देगा, उतना स्पीड पे वो जाएगा। तो वो एक हार्डवेयर का पीस है जो कि इसके अंदर लगा हुआ है। इसके अलावा एक और पार्ट होता है जिसको कहते हैं DC to DC कन्वर्टर। DC में कन्वर्ट करने के लिए एक जो इक्विपमेंट बना हुआ है वो होता है चार्जर। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा दिक्कत हम लोग के एक्सपीरियंस में चार्जर के साथ आई है, क्योंकि चार्जर में आपको अर्थिंग का प्रॉब्लम काफ़ी आता है। अगर आपने अर्थिंग बराबर नहीं किया हुआ है आपके प्लग पॉइंट पे तो चार्जर फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आज के दिन में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम फेल हुआ तो आपको पूरा का पूरा आइटम बदलना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा ज़्यादा गाड़ियाँ आएंगी रास्ते पे तो कंपनीज या मैकेनिक लोग इन चीज़ों को रिपेयर करना सीखेंगे। आज के दिन में ऑलरेडी प्योर है भी जैसे कंपनी में डीलर्स को ट्रेनिंग की जा रही है बेसिक चार्जर्स को रिपेयर करने का, ताकि आपको फिर से 3-4 हज़ार का चार्जर खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। उसका एक समझो कैपेसिटर सिर्फ उड़ा हुआ है तो 200 रुपये में वो आपको पूरा का पूरा काम ठीक करके आपको चार्जर वापस कर सकते हैं। आपका जो सर्विस का कॉस्ट है वो काफ़ी कम होगा इस गाड़ी में। आप ये समझ के चलिए 1000 रुपये साल से ज़्यादा सर्विसिंग का कॉस्ट, यानी मैकेनिक जो आपको सर्विस चार्जेस लेता है उसके लेबर के चार्ज लेता है, वो 1000 रुपये साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जो पेट्रोल गाड़ी में कुछ जो खर्चे हैं आपके इसमें भी कॉमन होंगे। आपकी ब्रेक की केबल टूट सकती है, आपके ब्रेक डिस्क के पैड ख़राब हो सकते हैं या ब्रेक शू ख़राब हो सकता है, ठीक है, टायर पंक्चर हो सकते हैं, टायर्स को भी आपको बदलना ही है। तो ये सब पकड़ के आप समझ लो कि 15,000 रुपये और आप 5 साल में जोड़ लीजिए, तो 5,000 और 15,000 यानी कि 20,000 रुपये आपका 5 साल का
मरम्मत का खर्चा है, मेंटेनेंस का खर्चा है, बनिस्बत 40,000 जो कि आपको पेट्रोल स्कूटर में लगता है, तो आधा समझ लीजिए आपका मेंटेनेंस का खर्च हो जाता है इसमें। और अंत में हम लोग बैटरी के ऊपर जो उसकी लाइफ जब ख़त्म हो जाती है, जब आपको रिप्लेसमेंट का टाइम आता है, उसके बाद क्या करना चाहते हैं। अब प्योर जैसी गाड़ी जो न्यू ईट्रांस है, इस गाड़ी की रेंज करीब 100 किलोमीटर की है, तो एवरेज आदमी जो कि 30-40 किलोमीटर दिन का चला रहा है, उसको हफ्ते में 2 बार चार्ज करेगा, तो साल में आप समझ लो कि 100 बार गाड़ी चार्ज होनी है। ये कंपनी मान के चल रही है कि इनकी जो बैटरी है वो 1,000 बार चार्ज डिस्चार्ज आराम से हो सकती है। तो मेरा जो अंदाज़ है, जो एवरेज यूज़र है उसके लिए कम से कम 10 साल ये बैटरी चल जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कम रेंज नहीं चलती है, क्योंकि बीच बीच में उनको शायद गांव जाकर के वापस आना है या जो भी वजह हो, और उनको फिर बैटरी बदलने की इच्छा होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में और बैटरीज़ में आप देख रहे हैं कि दाम कंटिन्यूसली गिरते जा रहे हैं, और समझो आपकी बैटरी बदलने की नौबत आ भी गई 5 साल बाद या 4 साल बाद, तो मेरा अंदाज है कि उस समय के जो बैटरी के रेट होंगे वो आज के बैटरी के रेट के आधे होंगे। आज के दिन में जो 2.5 किलोवाट आवर की बैटरी प्योर की 40,000 अंदाजन की आती है, वो शायद 3 साल बाद 4 साल बाद आपको 20-25 हज़ार रुपये की मिले। जाते जाते इस बैटरी की एक और ख़ास बात भी बता देते हैं कि अगर आपके घर पे सोलर पैनल लगे हुए हैं या इन्वर्टर लगा हुआ है, तो ये बैटरी भाई साहब बुढ़ी होने के बाद भी एक दूसरी ज़िंदगी आपके इन्वर्टर में जी सकती है, जहाँ पे एक और 5-6 साल वो आराम से चल सकती है। तो अंत का जो गणित है, हम लोग ने पेट्रोल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो किया हुआ है, जिसमें कि टोटल कॉस्ट यानी कि खरीदने का खर्च, चलाने का खर्च और मरम्मत का खर्च, उसको जो जोड़ करके हमने जो टेबल किया है वो आप अभी यहाँ पे इधर देख सकते हैं। तो आज हमने देखा इन दो गाड़ियों को जिनके खरीदने का खर्च लगभग एक जैसा है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बिजली वाले गाड़ी का, इलेक्ट्रिक का गाड़ी का, इस भाई से आधा है, इसका चलाने का खर्च इस गाड़ी से 1/10 यानी कि 10% है। तो मेरे को समझ भी नहीं आता इसमें सोचने की बात क्या है। जाइए और बैटरी वाली गाड़ी ईवी खरीद करके अपने जिंदगी और अपने पॉकेट को बदलिए।